हेलो एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एड्यू मंत्रा। आज हम एड्यू मंत्रा में फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक के सेवेंथ चैप्टर दैट इज ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट दैट इज टी फ्रॉम आसाम की तरफ जाने वाले। दिस इज रिटन बाय अरूप कुमार जी। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम एक छोटा सा इंसिडेंट देखेंगे और एल्स यू कैन से एक छोटा सा स्टोरी देखेंगे जिसमें दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर। प्रांजल जो है ये आसाम में इनका घर है बट ये दिल्ली में स्कूल में पढ़ रहे हैं राजवीर के साथ। राजवीर और ये दोनों क्लासमेट्स हैं। और प्रांजल के जो फादर हैं वो आसाम के अपर पार्ट्स में, अपर पार्ट्स मतलब आप जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्रा जो वैली है उसके जो ऊपरी रीजन में जो पार्ट्स रहते हैं उन्हें अपर आसाम कहा जाता है। तो अपर आसाम में रहते हैं और वहां पे एक टी गार्डन में वो मैनेजर है। प्रांजल समर वेकेशन के लिए राजवीर को अपने घर पे इनवाइट करते हैं। लेट अस सी स्टोरी में क्या होता है। एक चाय बेचने वाला जो वेंडर है वो चिल्लाता है, चाय गरम गरम चाय, हाई पिच्ड वॉइस में वो हॉक कर रहा है ताकि उसको कस्टमर्स मिल जाए। और वो विंडो में, एक ट्रेन के विंडो में जाता है और जो प्रांजल है, प्रांजल से पूछता है कि चाय साहब, आपको चाय चाहिए क्या? प्रांजल चाय की तरफ देखकर बोलता है कि हमें दो कप दे दीजिए चाय। वो चाय पी रहे होते हैं और उनके जो कंपार्टमेंट में जितने लोग थे लगभग सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। इतने में राजवीर एक सवाल पूछता है प्रांजल से। राजवीर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग हर दिन 80 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोग चाय पीते हैं। प्रांजल ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है व्यू, ये जो चाय है ये सच में ही पॉपुलर है। उसके बाद वो अपना नोस बुक में, एक उसके हाथ में डिटेक्टिव बुक था, उस बुक में बरी कर देता है, मतलब उसका सर झुका लेता है और वो बुक को सामने रख देता है और बुक रीड करना चालू कर देता है। और इतने में वो जो ट्रेन है वो स्टेशन से बाहर की तरफ ट्रैवल करना चालू कर देती है। ये जो राजवीर है, राजवीर को भी डिटेक्टिव बुक्स बहुत पसंद था, बट अभी जब ट्रेन चल रही थी और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीनरी बाहर दिखाई दे रहे थे तो उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस सीनरी की तरफ ही था। इस बार हर जगह हरियाली ही हरियाली थी और राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखा था। वो जब विंडो से बाहर देखते हैं तो पहले उन्हें पैडी के फील्ड, ग्रीन कलर के पैडी के फील्ड दिखाई देते हैं, उसके बाद ही उन्हें जो टी के जो बुशेस हैं वो दिखाई देने लगते हैं। ये जो सीन था ये बहुत ही खूबसूरत सीन था क्योंकि हर जगह दूर दूर तक उनको टी लीव्स के ये जो बुशेस हैं ये दिखाई दे रहे थे और बैकग्राउंड में एक हिल था जो कि पूरा वुडेड था। वुडेड मतलब पेड़ ही पेड़ थे उसमें और उसके बीच से ये जो टी के बुशेज हैं ये जा रहे थे। तो दूर दूर तक आपको सिर्फ टी गार्डन ही दिखाई देगा। ये जो बड़े बड़े शेड ट्रीज थे ये स्टर्डी थे, स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सॉलिड पेड़ थे। इन बड़े बड़े पेड़ के बीच में अगर आप वो जो टी लीफ के बुशेज को देखोगे तो वो बुशेज ड्वार्फ से लग रहे थे। ड्वार्फ मतलब टाइनी से लग रहे थे, छोटे छोटे हाइट वाले लग रहे थे। और ये जो बुशेस थे जो कि ऑर्डरली रोज में जमाए हुए थे, आपको पता होगा कि जो टी लीव्स होता है वो कुछ गैप के बाद ऑर्डरली रोज बना बनाकर उसे उगाया जाता है। क्यों गैप छोड़ा जाता है? ताकि उसके बीच में चलकर टी लीव्स के जो फ्रेश टेंडर लीव्स है उसे तोड़कर बास्केट में डाल दिया जा सके। तो ये जो ऑर्डरली रोज थे, रोज के बीच में राजवीर को कुछ डॉल लाइक स्ट्रक्चर मूव करते हुए दिखाई दे रहा था। डॉल लाइक स्ट्रक्चर मतलब
जो मॉर्निंग में वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, वो टी लीफ को तोड़ते हैं, तो वो लोग मूव करते हुए दिखाई दे रहा था राजवीर को। और जब राजवीर ने दूर की तरफ देखा, डिस्टेंट प्लेस में देखा, तो उनको एक अगली सा बहुत ही बदसूरत सा फैक्ट्री दिखाई दिया, जिसकी चिमनी से स्मोक बिलो कर रहा था। बिलो करना टू कम आउट इन एन ऑकवर्ड वे, है ना, तो स्मोक बाहर की तरफ निकल रहा था। राजवीर जो कि बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है टी गार्डन देखकर, वो प्रांजल से कहते हैं कि हे अ टी गार्डन। पर प्रांजल जो कि आसाम में ही जिसका बर्थ हुआ है और वो ऐसे टी गार्डन को देखता ही रहता था, उसके लिए ये कोई एक्साइटमेंट वाली बात तो थी नहीं। प्रांजल गार्डन की तरफ देखता है और बोलता है कि अच्छा, अब हम चाय के देश में आ चुके हैं, हम टी कंट्री पे आ चुके हैं। फिर प्रांजल बताते हैं कि यहाँ पे आसाम में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन यहीं पे पाया जाता है। फिर प्रांजल ये भी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे इतने सारे टी गार्डन देखने को मिलेंगे जो कि तुम्हें पूरे जिंदगी भर तक याद रहेगा। फिर राजवीर प्रांजल को बताते हैं कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था तब मैं बहुत सारे टी के बारे में रीड कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें रीड कर रहा था, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये जो चाय है ये किसने बनाया। बहुत सारे लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स का क्या मतलब होता है, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि ये बताते हैं कि सबसे पहले चाय किसने बनाया था। तो प्रांजल ये सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। प्रांजल बोलते हैं कि क्या लेजेंड्स, कौन से स्टोरीज हैं। राजवीर बताते हैं कि एक चाइनीज एम्परर हुआ करता था, एक चाइनीज किंग हुआ करता था, जो कि जब भी पानी अगर वो पी रहा है तो पीने के पहले वो उसे बॉयल कर कर ही पीते थे। और एक दिन जब वो पानी को बॉयल कर रहे थे तो जो ट्विग्स, जो कि लकड़ी के टुकड़े जो कि वो जला रहे थे पॉट के जो नीचे थे, उस ट्विग में से कुछ पत्ते पानी के अंदर गिर गए। और वो जो पत्ते थे उसको जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो बहुत ही डिलीशियस टेस्ट था उसका, और वो जो लीव्स थे वो टी लीव्स थे, ऐसा स्टोरी है। और प्रांजल जब ये सुनते हैं तो प्रांजल स्कॉफ करते हुए, मजाक उड़ाते हुए बोलते कि अच्छा चलो ठीक है, तुमने बोला बहुत सारे स्टोरीज हैं, तो दूसरा स्टोरी मुझे बताओ कि और क्या स्टोरी है। तो राजवीर एक और स्टोरी बताते हैं और वो कहते हैं कि एक इंडियन लेजेंड भी है, एक इंडियन स्टोरी भी है। और वो कहते हैं कि जो बौद्धि धर्मा थे, जो कि बुद्धिस्ट एसेटिक थे, एसेटिक कौन होते हैं, वो लोग जो कि सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो ये जो बौद्धि धर्मा थे ये बहुत नींद में आ जाते थे जब भी वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो नींद को भगाने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने आई लिड को काट देते हैं। और ये जो आई लिड है, ये आई लिड से 10 टी के प्लांट उगाते हैं। और ऐसा माना जाता था कि ये जो टी के प्लांट से जो पत्ते हैं, अगर इसको हॉट वाटर के साथ पिया जाए तो नींद बैनिश हो जाता था, नींद चला जाता था। राजवीर और एडअप करके बताते हैं कि ये जो टी है ये चाइना से ही आया है, ये जो वर्ड है चाय और चीनी ये सारे वर्ड्स चाइनीज वर्ड्स ही हैं, और 2700 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट से ही ये टी चाइना में एग्जिस्ट करता था। और यूरोप में तो 16th सेंचुरी में ही गया है ये टी, और वहाँ पे वो मेडिसिन के तौर पे लिया जाता था, ना कि बेवरेज के तौर पे। बेवरेज क्या होता है, एक ऐसा कॉमन ड्रिंक जो कि पानी के बाद यूज किया जाता हो, कॉमनली पिया जाता हो, तो बेवरेज के तौर पे कमर्शियली नहीं यूज किया जाता था। इसके बाद वो जो ट्रेन है वो क्लैटर करते हुए, क्लैटर मतलब एक रैटलिंग साउंड करते हुए, कंटिन्यूस साउंड करते हुए मरियानी जंक्शन में पहुंचा। और वहां पे ये दोनों बच्चे अपना सामान उठाते हैं, और उसके बाद वो जो क्राउडेड प्लेटफॉर्म था उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म से धक्का मुक्की करके वो बाहर की तरफ निकलते हैं। और वहां पे प्रांजल के पेरेंट्स खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे। फिर वो लोग
देखे ही बारी नाम के जगह पे ट्रैवल करना चालू करते हैं, कार से ट्रैवल करना चालू करते हैं। देखे ही बारी वही जगह था जहां पे प्रांजल के फादर टी एस्टेट में मैनेजर का काम करते थे। एक घंटे बाद जो फादर है वो सडनली कार को वीर करते हैं, वीर करते हैं मतलब एकदम से उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं और एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं। कैटल ब्रिज क्या होता है, आपने देखा होगा कि रॉड्स लगे रहते हैं, एक प्लेटफॉर्म में रॉड्स लगे रहते हैं कुछ गैप के बाद। जानवर क्या करते हैं, अगर वो लोग जाने की कोशिश करेंगे तो उनका पैर उसमें फंस जाएगा, तो वो लोग डर के मारे ये कैटल ब्रिज को क्रॉस नहीं करते हैं। तो उस कैटल ब्रिज को ये लोग क्रॉस करके पहुंच जाते हैं देख के बारी टी एस्टेट में। वो जो ग्रेवल्ड रोड था, ग्रेवल्ड मतलब वो जो स्टोन्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, उनसे बना हुआ जो रोड था, वो रोड के दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी, एकर्स अपॉन एकर्स लैंड में सिर्फ टी बुशेस ग्रो हुए थे। और ये जो टी बुशेस थे ये प्रॉपरली सेम हाइट तक प्रूंड थे, उसकी ट्रिमिंग कटिंग करके रखी हुई थी सेम हाइट तक। और जो वर्कर्स थे वहां पे, वो लोग कुछ प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे और बैम्बू का जो बास्केट होता है वो पीछे टांग कर वो लोग नए नए जो स्प्राउट होकर जो लीव्स आए हैं उसको तोड़कर बास्केट में डाल रहे थे। प्रांजल के फादर जो कि कार चला रहे थे वो कार को स्लो डाउन करते हैं ताकि सामने से जो एक ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर क्रॉस करके चला जाए। ये जो ट्रैक्टर का जो ट्रेलर था वो पूरे टी लीफ से भरा हुआ था। इसी टाइम पे राजवीर मिस्टर बरुआ जो कि प्रांजल के फादर है उनसे पूछते हैं कि क्या ये सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन है या तो सेकेंड फ्लश है। सेकेंड फ्लश क्या होता है या तो सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन क्या होता है, दो सीजन्स होते हैं जिसमें ये जो टी लीव्स हैं ये ग्रो करते हैं और उसको तोड़कर निकाला जाता है, तो ये सेकेंड सीजन है कि नहीं, राजवीर पूछते हैं। और वो ये भी पूछते हैं कि ये जो सीजन है ये सबसे बेस्ट सीजन है जिसमें बेस्ट टी लीव्स मिलते हैं मई से लेकर जुलाई तक का महीना है ना मिस्टर बरुआ, वो उनसे पूछते हैं। प्रांजल के फादर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपना होमवर्क करके आए हो ऐसा लगता है। तो राजवीर कहते हैं हाँ जी मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ, बट मैं जब यहाँ पे रहूँगा, जितने टाइम तक यहाँ पे रहूँगा, मेरी उम्मीद यही है कि मैं बहुत कुछ आपसे सीखूँ। और इसी के साथ आई एंड अप विद द चैप्टर, विल गो टूवर्ड्स द रिफ्लेक्शंस एंड अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शंस। हमारा पहला रिफ्लेक्शन है रीडिंग हैबिट्स। हमने देखा कि प्रांजल का बर्थ आसाम में ही हुआ था, पर जब हम राजवीर का नॉलेज देखते हैं आसाम के बारे में या तो टी के बारे में, वो प्रांजल से कुछ ज्यादा ही था। राजवीर को कुछ ज्यादा फैक्ट्स पता थे आसाम के बारे में, टी के बारे में। राजवीर को कुछ ज्यादा ही स्टोरीज मालूम था जो कि टी से रिलेटेड था। तो रीडिंग, ये सारी चीजें कहां से आई? रीडिंग से आई, बुक्स को रीड करने से आई। और हमें ये समझ में आता है कि हम चाहे ही दूसरे जगहों पे ट्रैवल ना कर पाए, बट फिर भी बुक्स इतने पावरफुल टूल होते हैं कि हमें उस दुनिया तक लेकर चले जाते हैं। हम ये वाला जब चैप्टर भी रीड करते हैं तब भी हम बहुत सारे सीन को इमेजिन कर पाते हैं कि कैसा होगा आसाम, कैसे वहाँ पे जो टी गार्डन्स होंगे वो कैसे दिखते होंगे, वो जो वर्कर्स काम करते हैं तो वो कैसे काम करते होंगे, एस्टेट में पहुँचना, ट्रक में टी लीव्स को लेकर जाना, तो ये सारे चीज़ हमें उस दुनिया में लेकर जाते हैं, उस आसाम के वर्ल्ड में लेकर जाते हैं। तो हमें क्या समझ में आता है, बुक इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल टू इंक्रीज योर नॉलेज। हमारा सेकेंड रिफ्लेक्शन है इंपॉर्टेंस ऑफ आसाम। आसाम हम इंडियंस के लाइफ में तो एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठकर एक कप चाय का ना मिले
तो लगभग सभी इंडियंस का दिन अधूरा सा हो जाता है। और आज का जो जेनरेशन है, हम एक ट्रेंड देखते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा हाइजीन और हेल्दी रहने में बिलीव कर रहे हैं, और इसी के कारण ये जो चाय है, चाय में भी आप लोग जानते होंगे कि ग्रीन टी के बारे में, ग्रीन टी आपके हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है, यूथ आपका जो मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है, और जो फैट्स है उसको कम करने में मदद करता है। तो अरूप कुमार जी, एक इंडिकेशन दे देते हैं इस चैप्टर से कि अगर चाय पीना है तो कहाँ पे जाके पीना है? आसाम जाके पीना है। सो हियर विद दिस आई एंड अप दिस चैप्टर। विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। मे गॉड ब्लेस एवरीवन।